हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप मेरे से कमेंट में पूछ रहे थे कि आपने कैसे लोन करवाया और क्या हम कर सकते हैं अपने लोन के साथ, कैसे कर सकते हैं, कितने लाख का लोन चाहिए होगा। तो मैं आपको उस वीडियो के बारे में आज अपडेट कर देता हूँ, उसमें उस चीज़ के बारे में अपडेट कर देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा कितने का लोन सेंक्शन हुआ था इस पर और मैंने कैसे कैसे प्रोसेस से लिया और आप किस किस तरीके का लोन ले सकते हैं और कितना तक आपको ज़रूरत पड़ेगी इस दुकान को, ऐसी मेरी जितनी दुकान को खोलने के लिए आप कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आप कौन कौन सा लोन ले सकते हैं और कब कब ले सकते हैं। तो आप दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो मुद्रा लोन ले सकते हैं जो सरकार की तरफ से मिलता है, वो उसके बारे में आप डॉक्यूमेंट क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मैंने वो लोन नहीं लिया है, मैं आपको अपने बारे में दोबारा बाद में बताऊंगा। तो एक आप मुद्रा लोन ले सकते हैं दुकान के लिए, एक आप टर्म लोन ले सकते हैं, सीसी लिमिट बनवा सकते हैं, मतलब बिल वगैरह चाहिए होते हैं, कुछ खास चाहिए नहीं होता, वो आप दूसरी वीडियोज़ में देख लीजिएगा उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए कैसे चाहिए। अब बात करते हैं मुद्रा लोन, माफ़ी चाहूँगा, वो एक कस्टमर आ गया था उसकी वजह से मेरे को वीडियो रोकनी पड़ी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, एक तो मुद्रा लोन ले सकते हैं आप, मुद्रा लोन में आप देख लीजिएगा क्योंकि डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, मैंने मुद्रा लोन नहीं करवाया, वो आप 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। उसमें आप ये है कि सरकारी स्कीम के तहत ले सकते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा फ़ायदा ये है कि आप बैंक आपको नहीं दे रहा है तो उसमें एक स्कीम होती है CGTME, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ जो मेरे को जानकारी है। CGTME स्कीम होती है जिसके तहत सरकार हमारा गारंटर बनती है, उसमें 1% उसका बैंक लोन का उस पर और 18% GST उस पर लगती है। वो हाँ, तो 1% जो है उस पर 18% GST लगती है, वो हर साल बैंक को देना पड़ता है, मतलब वो कट जाता है अपने आप ही लोन से। तो एक तो ये हो गया तरीका, वो आप पहले भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो मैंने लिया है, मैंने लगभग 5.5-6 लाख का माल डाल रखा है, इसमें मैंने सीसी लिमिट बनवाई। सीसी लिमिट का मतलब क्या होता है कि जो हम माल भरते जाते हैं उसकी कोटेशन मैंने सारी बैंक को पहले ला करके जमा कर दी कि मैंने इस बंदे से इतना माल लेना है, इस बंदे से इतना माल लेना है, तो उसका लिस्ट बनवा करके मैंने एक बैंक को जमा कर दी। फिर बैंक ने क्या करा, उनके खाते में पैसे डाल दिए और मैंने वो माल खरीद लिया, और अब मेरे पास जो सेल होती है मैं वो उसी खाते में डालता रहता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि जितना पैसा मैंने यूज़ करा है, मान लो मैंने 1 लाख का माल मंगा लिया बैंक ने और फिर मेरे पास आज की सेल 5,000 हुई, तो मैंने वो कल उसमें जमा कर दी, तो कल उस पर 95,000 रुपये ब्याज लगेगा, और सिर्फ उसमें ब्याज ब्याज देनी होती है, उसमें मूल नहीं जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं जाती है। यानी कि अगर 1 लाख रुपया है और 10% 12% के हिसाब से है तो महीने में 1,000 रुपया ही जाएगा और कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने 4.5 का ले रखा, 3200 रुपये या 3800 रुपये, मुझे याद नहीं है पूरा एग्जैक्ट अमाउंट, इतनी मेरी किस्त जाती है इस पर, मेरा शायद 10.5% पे है, थोड़ा सा महंगा है। तो आप एक तो ये सीसी लिमिट भी बनवा सकते हैं, इसमें ये थोड़ा फायदा होता है कि अगर आपका काम वगैरह डाउन भी है ना तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती है कि जानी, तो खाली इंटरेस्ट अमाउंट है ना, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होती है। हालांकि इसमें ये होता है कि लोन खत्म नहीं होता, लेकिन इतनी टेंशन नहीं होती है आदमी को, मतलब बर्डन नहीं पड़ता है कि मूल भी चुकाना है। 3-4 लाख रुपए की लिमिट से काम बन जाता है, आप ये बेसिकली मान के चलो। पता नहीं, तो उसमें दूसरी चीज आप ये होती है कि आपको 70% तक बैंक फाइनेंस करके दे देता है, तो आप उसके इनवॉइस सारे जमा कर दो और उसका 70% तक आप ले सकते हैं। तो दूसरा रूल इसका ये भी होता है, तो ये मेरे को ज़्यादा सिंपल लगता है जो मैं बताऊँ आपको। मान लो आपने 5 लाख का सामान कुछ लेना है तो आप उसकी इनवॉइस जमा करोगे तो वो 5 भी कर देता है। और दूसरी बात, अगर आपको कभी, मैं आपको एक और बताता हूँ, अगर ना कर रहा हो ना कभी, तो अगर आपके पास वो जैसे कहते हैं कि ये चीज़ गिरवी रखनी पड़ेगी वो चीज़ रखनी, तो CGTME में तो देखो हो जाता बिना उसके, नहीं भी होता ना तो आप सितंबर और मार्च के महीने में जाना, वो उसमें थोड़े से चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको जल्दी मिल जाए, या तो नहीं मिलेगा या तो बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनके पास सितंबर और मार्च में इनको क्लोज करने होते हैं बैंक वालों को अपने टेंडर। तो ये भी एक फैक्ट है कि अगर उस समय अगर हो सके तो उस समय मिल जाता है। तो ये था, बाकी आप देख लीजिए, मैंने जो था बताना था उसमें कवर कर दिया है, बाकी